रुको ना, तुम आग में घुस रहे हो यूं लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उठ चुकी हूँ और अभी चिकू तो फ्रेशन अप होने गए हैं एंड मैं भी उठ के अब नीचे जाऊँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। पीनू की है आज शॉप की ओपनिंग अटेंड करके घर जाना है, तो जल्दी से हम सारा निपटाते हैं। रूम तो क्लीन कर दिया है और अब एक बार नीचे चले जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ पीनू के शॉप के इनॉग्रेशन में। मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड मेरा कैमरा भी मेरे साथ में है। चिकू तो यहीं पे रहेंगे, जब इनॉग्रेशन होगा तब मैं बुला दूँगी। और हमारा ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है एंड माई न्यू स्केचर्स। तो पीनू के घर अभी जा रही हूँ मैं। हाँ, ये प्रीतेश जी जैन साहब, आज इनकी शॉप का इनॉग्रेशन है, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। मम्मी का भी इनॉग्रेशन है। ये जोरदार लग रही है यार। हाँ, मम्मी का गले मिल रही है। ये वाले बड़े भाई बड़े समय के बाद ब्लॉग में आए, पर अभी भी व्यस्त है। हाँ, ब्लॉग में पहली वक्त अभी रहे चिंटू भी है, क्योंकि वो बिजी से रहे। मन तो बोलता नहीं है, तो बोल इन्हें ब्लॉग में कहकर। हाँ, तो आज शॉप की ओपनिंग हुई है, आप को कांग्रेचुलेशन। बहुत बढ़िया, पानी वो बड़े बाबड़ो काम उस करी जो पीनू ले पड़ेगा। पीनू ले पड़ेगा। जय माता दी, जय माता जी। हां, एड यूज कर दे तो। हां, सलवार सूट पहन दे तो। यहां कारो कुछ है मैं क्यों पड़ता आज कर तू ले भाई। कल आज का ब्लॉग तो बड़ी तार माते से पूरा तो से बना। मैंने नहीं देखा था। मारो नाम ले लड़ी हूँ। तो हम सब जिन्हें फोटो सेशन हो रहा है, हम सबके फोटो खींचा गए हैं, अब हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, अभी टाइम है, टाइम है। एक बार कह दिया हम मजा लेते हैं। नहीं देखा गेम आप, थोड़ा गेम आप देखा तो नहीं। वाले खिसी ले, खिसी ले यार, चल फोटो। वो मार खुद ना जो मशरू आवी गयो। अरे क्या मशरू आवी गयो तुम। ओके बाय। लो इधर हम पीछे गाड़ी नहीं निकली। ओके, हम जा रहे हैं अब घर पर और गाने भी यश ने चालू कर दिए थे और ओपनिंग भी हो गई, दोनों का अटेंड हो गया। अब वहाँ ऋषभ देव मेरे एक फ्रेंड की भी ओपनिंग है, वहाँ पे भी जाना जरूरी है। तो घर जाके एक बार नहाऊंगी, बिगर नहाए घूम रही हूँ। हाँ भाई, तेरी वीडियो ले रही हूँ। मत रो, क्या कर रहा है? देखो अटली वाला चिल्ला था तो कैमरा देखिन चुप नहीं गया। अच्छा, चिकू गया है, अटली चिल्ला ही रहा है। मैं भी जा रही हूं। बाय 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 बाय। अटली निकलो करते करे और नासा नास थी कि सब पे। ओ यू ना गांडू देखियो। ओ ओ ओ जा रही हूं बे टेढ़े तिन जुई जी। यूं क्या बैठ ले, चिकू जाते हैं चिल्लाते हो। मैं गई थी मेरे फ्रेंड की शॉप के इनॉग्रेशन में ऋषभ देव आने के बाद, और कल रात को ये सूट पहना था तो वापस से पहन लिया और खाना बनाया फिर। और खाने में बना है फर्स्टली चावल, ये साबूदाने की पापड़ी तली है चिकू ने, ये मूंग की दाल और रोटी, जो कि आज रोटी जल गई है थोड़ी सी, क्योंकि मैं लोहे के तवे पे कभी भी नहीं बनाती हूँ। लोहे के तवे पे मैंने बनाई थी रोटी आज, इसीलिए थोड़ी रोटी आज थोड़ी अटपटी सी बनी है, तो नेक्स्ट टाइम नहीं यूज़ करूँगी, नॉनस्टिक ही बढ़िया है। और पीनू के यहाँ से लाई ये वाला मैं सूट, जो कि बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी इतना मस्त है,
तो इसको मैं स्टिचिंग के लिए दे दूँगी क्योंकि ये विदाउट स्टिच है और कल जो सूट आए थे उसमें से एक साइज़ एक्स्ट्रा मंगानी है। और मिट्टू नॉन स्टॉप चिल्लाते हुए मैं निकल गई हूँ शॉप के लिए। गुगा कॉल आ रहा है वेटिंग में, तो सीधा दुकान पर जाके उनको सरप्राइज कर देते हैं। सरप्राइज अभी मैंने मेरे फेस पर जो न्यू शुगर का हाइलाइटर आया है वो मैंने अप्लाई किया है, तो वो मैं दिखा रही हूँ, सब्र कीजिए। एक बार मैं आपको मस्करा लगा के दिखाती हूँ जो अभी न्यू आया है, और ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त का प्रोडक्ट है। अभी आप मेरी आँखों को देख लो एक बार गौर से। लैशेज वॉल्यूमनाइज तो हो गई है, अब इनको फुल लेंथी वॉल्यूमनाइज करने के लिए हम ये पाउडर लगाएंगे। अरे रुको ना, तुम आँख में घुस रहे हो, यूँ लग रहा है। और इसको वॉल्यूमनाइज दिखाने के लिए वन कोट वर और मस्करा। फेस ही चेंज हो गया एकदम, फुल ग्लो दिख रहा है फेस पे, मस्त दिख रहा है बाबूला, मस्त दिख रहा है। जागो जागो बेटू, मासी व्लॉग बना लिया आपका। और चकलू अभी तो हंस रहा था, सब कर रहा था, वीडियो बना रही तो सुन हो गया ना, ऐसे फोन के सब सामने देख रहा है, ज्यादा नींद में है कभी, इसलिए कॉल भाई वापस एंट्री कराई इसकी। कैसे लगे आपको आपके बाल? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके आपके पापा आ गए लेने के लिए, तो आप चले जाइए। ओके बाय बाय। मैं गई थी मेरी फ्रेंड के सन को मिलने के लिए, अभी मेरी फ्रेंड की डिलीवरी हुई है सो मिलने के लिए मैं गई थी। दिखाया मैंने आपको क्यूट सा बेबी, और वापस से शॉप पे आई, फिर क्लाइंट्स से क्लाइंट को अटेंड किया, और मैं मेरी खुद की आईब्रो बनवा देती हूँ, मुझे काफ़ी जल्दी ग्रोथ हो जाती है यार। आईब्रो तो मेरी कंप्लीट बन चुकी है, और अभी मैं एक छोटी सी मसाज ले रही हूँ फेस की क्लिंजिंग मिल्क से, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के क्लिंजिंग मिल्क से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यूँ लग रहा है कि मुझे रिलैक्सेशन की ज़रूरत है कि मेरे को नींद आ गई थी, अभी आईब्रो करवाते करवाते ही मुझे नींद आ गई थी, तो ज्योति अभी आ रही है क्लिंजिंग मिल्क लेके, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी आप मेरा फेस देख लो क्लिंजिंग मिल्क करने के बाद। देखना ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ये वाला क्लिंजिंग मिल्क है जो कि मेरे फेस पर अभी इससे मसाज होने वाली है, एंड इसके बारे में मैं प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ। क्लिंजिंग मिल्क से मसाज होने के बाद आप फेस देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, और ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का क्लिंजिंग मिल्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अभी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट पे चल रहा है ऑफ़र, तो शॉप पर आकर पता कीजिए। और अभी हम जाएंगे आगे होंगे शॉप से, आज तो यहीं रहने दो, कल जाएंगे ना। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पर, हर्ची को आ गए हैं लेने के लिए, हमारी ये एंटॉर्क है वो ख़राब हो गई है, तो वो सर्विस सेंटर गई है और ब्लेंडर लेने के लिए आई है। मैं आ गई हूँ अभी घर पर, और अब कुछ खाने में तैयारी करते हैं। आई देखा मम्मी ने तो साबुदाने भिगा के रखे, और मेरी दवाइयाँ भी मुझे लेनी थी तो वो भी मैंने ले ली, और साबुदाने ऑलमोस्ट भीग चुके हैं, हल्के हल्के बाकी है। तब तक मैं सिंक सेक देती हूँ, इसके बाद आलू कटिंग कर देती हूँ, ये सब सारे काम कर देती। आलू काट दिए हैं, सिंक है वो मैं अभी सेक रही थी, भून रही हूँ, भूनूंगी फिर इस हमाम दस्ते में कूटूंगी, और कूटने से क्या होगा ना इसके छिलके निकल जाएंगे और इसके थोड़े से बारीक टुकड़े हो जाएंगे जो बहुत टेस्टी लगेंगे। ये कड़ी पत्ते, मिर्ची और जीरा, ये आलू, और ये सिंग सेकी हुई, फिर उनको कूटा, फिर छिलके उतारे। ये क्रश हो चुकी है, और अभी एक तरफ ऑयल रख दिया है फ्राई करने के लिए, जो आज चिमटा लाया वही निकलते हैं। आज ये चिमटा लाए, चिमटा क्या कहते हैं इसको यार, चिमटा चिमटा कर दूँ, चम्मच अच्छी है घुमाने में सही लग रहा है। अभी अब थोड़े से आलू पक जाएंगे फिर उसके अंदर सिम डालेंगे, एक बार इसको प्रॉपरली अच्छे से टाइट ढक देती। इतना बड़ा बर्तन तो क्या ही होगा यार, कुछ तो कवर हो जाएगा।
मैं मेरा फ़ोन भूल गई थी शॉप पे, तो अभी चिकू है लेके आए। काम काम में बिजी हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, फ़ोन है भी नहीं है पास में। अब ये जब तक गैस से रहता है तब तक पापा के लिए कुछ बना देते हैं, क्योंकि पापा साबुदाने की खिचड़ी नहीं खाते। हम सब जनों की तो काफ़ी फेवरेट है, चिकू को दही लेने भेजते हैं। तो अभी हमारी खिचड़ी प्रॉपर फाइनली रेडी होने वाली है। तो साबुदाने अंदर डल चुके हैं, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आई होप मम्मी जैसी बनाती है। मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। मम्मी जैसे पोहे टेस्टी बनाती है, मेरे साबुदाने की खिचड़ी भी एक नंबर। तुमको ऐसी बिखरी बिखरी बनती है ना, ढेपे ढेपे नहीं बनते। वैलेंटाइन डे स्पेशल डिश बन रही है आज, चिकू का फेवरेट है इसलिए। अब मैं कुछ टेस्ट करूँ थोड़ा सा। आई थिंक नमक कम है। बाकी सब तो ओके। पापा के लिए भी खाना बना दिया, आलू की सब्जी और पराठे, और हमारे लिए तो ये साबुदाने की खिचड़ी और दही साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, मज़ा आ जाता है। तो मज़े से खा लेते हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल। खिचड़ी बनाई थी तो किचन भी बहुत ज़्यादा मैस हो गया था, तो किचन तो अभी जस्ट मैंने क्लीन किया है। और फिर मम्मी का कॉल भी आया था तो मम्मी से बात करी थी, और यश भी आज वैलेंटाइन डे कुछ स्पेशल तरीके से मनाने गया था। किचन हो गया है क्लियर, और यश भी आज वैलेंटाइन डे कुछ स्पेशल तरीके से मनाने गया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा उसके सेलिब्रेट करने का तरीका। उसका कल का व्लॉग देखना, और आज का व्लॉग अगर आपको यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।